वेजिटेबल मलाई कोफ्ता बनाने के लिए हमने कुछ सब्जियां ली है। यहाँ पे हमने लिया है एक छोटा साइज़ का फूलगोभी। फूलगोभी को हमने ऐसे छोटे छोटे करके काट लिया है। एक बड़ा साइज़ का गाजर लिया है हमने। गाजर को ऐसे पतला और लंबा करके हमने काटा है। कुछ बीन्स लिए हैं हमने, ऐसे छोटे छोटे साइज़ में हमने बीन्स काटे हैं। एक मीडियम साइज़ का कैप्सिकम लिया है और कैप्सिकम को भी मीडियम साइज़ में हमने काट लिया है। कुछ हरी मटर भी लिया है हमने और एक मीडियम साइज़ का आलू हमने ऐसे काट लिया है और धनिया पत्ता हमने चॉप कर लिया है। और मसालों में हमने लिया है 3 मीडियम साइज़ का प्याज, हमने पेस्ट बना लिया है। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है हमने। 5 से 6 हरी मिर्च, इसका भी हमने पेस्ट बना लिया है। 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है हमने। और दूध लिया है हमने, यहाँ पे 250 ml दूध है। एक कढ़ाई में हमने तेल गरम किया है। थोड़ा ज़्यादा करके तेल गरम करना है हमें, क्योंकि सारी सब्जियाँ फ्राई करनी है। पहले हम आलू और गाजर एक साथ फ्राई कर लेंगे, क्योंकि ये फ्राई होने में ज़्यादा वक्त लगता है। थोड़ा सा नमक देंगे और बाकी सब्जियों को हम बाद में फ्राई करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम हाई पे रखेंगे ताकि ये जल्दी से हो जाए। जब ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगेगा तभी इसे हम उठा लेंगे। ये लगभग 80% तक हम कुक कर लेंगे। ये हो गया है तो इसे अभी हम उठा लेंगे। उसी तेल में अभी हम फूलगोभी देंगे और फूलगोभी को भी फ्राई करेंगे। ये भी फ्राई होने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। थोड़ा सा नमक देंगे और फ्राई करते रहेंगे। 4 से 5 मिनट लगेगा अगर हम इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ये भी थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश हो गया है और लगभग 70% हो गया है, तो इसे भी हम एक चम्मच से उठा लेते हैं। और एकदम लास्ट में हम बीन्स और कैप्सिकम एक साथ डाल देंगे, क्योंकि ये फ्राई होने में लगभग सेम टाइम लगता है। थोड़ा सा नमक देंगे और इसे फ्राई करते रहेंगे। 3 से 4 मिनट में ये भी फ्राई हो जाएगा। ये हो गया है, नरम हो गया है। तो अभी हम इसमें हरी मटर डाल देंगे। हरी मटर फ्राई होने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 1 मिनट में ही ये हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही नरम है। ये भी हो गया है तो इसे भी हम उठा लेंगे। सारी सब्जियां हमने फ्राई कर लिया है। ये देखिए अभी भी कढ़ाई में तेल है, इसीलिए हम कोई एक्स्ट्रा ऑयल यूज़ नहीं करेंगे। उसी तेल में हम पहले देंगे प्याज का पेस्ट और हरी मिर्च की पेस्ट। दोनों को एक साथ मिलाएंगे और धीरे धीरे फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम में ही हम इसे फ्राई करेंगे। 2 से 2.5 मिनट तक इसे हमें फ्राई करना है, जब तक ये ऑलमोस्ट 50% फ्राई ना हो जाए। अभी हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे, इसे भी इसके साथ मिलाएंगे और इसे भी फ्राई करेंगे। अब इस मसाले को हमें धीरे धीरे टाइम लेके बहुत अच्छे से पकाना है, जब तक इसका रॉ स्मेल चला ना जाए। पूरा पानी सूख जाने तक हम इसे फ्राई करेंगे, जब तक ये थोड़ा थोड़ा तेल ना छोड़ दे। 3-4 मिनट फ्राई किया है हमने, पर अभी भी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है। और 5 मिनट हमने फ्राई किया है। अभी देखिए ये बिल्कुल सूखा है, तो लगभग हमने 8 से 9 मिनट इसे फ्राई किया है। थोड़ा सा पानी हम इसमें देंगे ताकि ये नीचे से जल ना जाए। फ्लेम को हमने मीडियम लो पे रखा है। अभी हम इसमें मसाले देंगे। हम पहले देंगे जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और फिर काली मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। अब इसे हम इसके साथ बहुत अच्छे से मिलाएंगे और इस मसाले को भी हमें लगभग 3 से 4 मिनट तक पकाना है, ताकि सारे मसाले प्याज और लहसुन के साथ मिक्स हो जाए। लगभग 5 मिनट तक हमने इसे फ्राई किया है। ये देखिए मसाला बिल्कुल सूखा हो गया है और एकदम अच्छे से ये पक गया है। कलर कैसे चेंज हो गया है, तो ये बिल्कुल रेडी है। तो अभी हम इसमें हमने जो दूध लिया था वो दूध डाल देंगे। फ्लेम को यहाँ पे हम थोड़ा सा हाई कर देंगे
और मसाले को दूध के साथ हम मिला लेंगे। यहाँ पे आप काजू पेस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन काजू पेस्ट हेल्थ इश्यूज़ के लिए सबको खाना अलाउड नहीं है, इसीलिए हम इसे दूध से ही बना रहे हैं। टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा, खाने में एकदम सेम लगेगा। इसे हमने अच्छे से मिला लिया है। हमने सब्ज़ी फ्राई करते वक्त बस थोड़ा सा नमक दिया था, इसीलिए हम अभी स्वाद अनुसार नमक भी डालेंगे और इसे भी हम मिला लेंगे। और इस मसाले को हम बॉईल करेंगे। पहले ये बॉईल होने लगा है तो इसमें हम अभी सारे फ्राई किए हुए सब्जियां डाल देंगे और सब्जियों को भी मसाले के साथ मिला लेंगे। और फ्लेम को यहाँ पे हम थोड़ा सा लो कर देंगे, वरना मसाला एकदम से ड्राई हो जाएगा और ग्रेवी कुछ भी नहीं बचेगा। ढक्कन बंद करके हम 3 से 4 मिनट इसे पकाएंगे ताकि सब्जियां कच्चा ना रह जाए और बिल्कुल नरम हो जाए। 4 मिनट बाद हमने ढक्कन को हटाया है। ये देखिए सब्जियां बिल्कुल नरम हो गई है और मसाले के साथ सब्जियां एकदम अच्छे से मिल गया है, तो ये बिल्कुल रेडी है। इसमें हम अभी चॉप किया हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। इसे हम ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, बस हल्के हाथों से इसे हम मिला लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। वेजिटेबल मलाई मसाला बिल्कुल रेडी है। इसे आप रोटी के साथ या फिर फ्राइड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वेजिटेरियंस के लिए ये एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी खाना है। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा स्वाद आएगा। अब बस हमने जैसा जैसा कहा है वैसे स्टेप्स को फॉलो कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। थैंक यू।